सो गाइस, आज की वीडियो पर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कैसे अपने मोबाइल से YouTube वीडियो पर थंबनेल को लगाया जाता है। अभी ध्यान से देखो, अभी हम अपने हर वीडियो पर थंबनेल को लगाते हैं, पर भाई लोग अभी आप YouTube पर नए नए होते हो और आप अपने वीडियो पर थंबनेल को नहीं लगा पाते होगे। 100% मैं कहता हूँ, ठीक है, जब भी आप अपने वीडियो पर थंबनेल लगाने जाते होगे तो आपके सामने ये वाला प्रॉब्लम आ जाता होगा, ठीक है, और आप अपने वीडियोस पर थंबनेल नहीं लगा पाते होंगे। पर भाई मैं 100% कहता हूँ, इस वीडियो देखने के बाद आप अपने वीडियोस पर थंबनेल लगाना सीख जाओगे ओनली 2 से 3 मिनट पर। 100% कहूंगा, एंड इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई सी वीडियो देखने की यार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखना, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना। मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर सिखाता हूँ कैसे अपने वीडियोस पर थंबनेल को लगाया जाता है। सत्य गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम आता होगा। आप जैसे अपने वीडियोस पर थंबनेल लगाने जाते होगे, पेंसिल वाले आइकन भी क्लिक करते होगे, एंड यहाँ पर जैसे थंबनेल लगाने के लिए इसमें क्लिक करते होगे, तो आपके सामने ये वाला प्रॉब्लम आ जाता होगा और आप अपने वीडियोस पर थंबनेल नहीं लगा पाते होगे। पर आप लोग इसको ध्यान सब कुछ समझते चलना है। यहाँ पर क्या लिखा है, टू एड कस्टम थंबनेल वेरीफाई योर अकाउंट ऑन यूट्यूब ऑन योर कंप्यूटर। इसका मतलब यह होता है कि आगे आपको अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करना पड़ता है। जैसे आप अपने YouTube चैनल को यहाँ पर वेरीफाई कर लोगे ना अपने नंबर से, तो भाई लोग ऑटोमेटिक यहाँ पास आपका ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप अपने वीडियोस पर सब वीडियो पर थंबनेल लगा पाओगे। तो कैसे आगे अपने YouTube चैनल को वेरीफाई किया जाता है हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। ध्यान सब कुछ देखते चलना। आपको आ जाना सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर ऐप पर। ध्यान देखो, मैं क्रोम ब्राउजर ऐप पर आ जाता हूँ, आप भी आ जाइएगा। एंड मैं 100% कहता हूँ यार, इस वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे क्रोम ब्राउजर पर आओगे, यहाँ पास ऑप्शन आएगा यूट्यूब का। ध्यान से देखो, यहाँ पास ऑप्शन आता है यूट्यूब का, एंड जिसके में यूट्यूब का ऑप्शन नहीं आता ना, तो उसको क्या सर्च करना है, ध्यान देखो, यहाँ पास उसको सर्च करना है youtube.com। ध्यान देखो, मैं सर्च करता हूँ youtube.com, एंड यहाँ पास एक भी स्पेस नहीं देना है। ध्यान देखो, एक भी स्पेस यहाँ पास नहीं देना है, पूरा एक भी इसको मैं कट कर दे सकते हैं, एक भी मैंने स्पेस नहीं दिया, थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, एंड सर्च कर देना है। ध्यान देखो, मैं जैसे सर्च कर दिया हूँ, youtube.com ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पास ध्यान देखो इस प्रकार का इंटरफेस आया होगा, एंड यहाँ पास ये चीज़ आगे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में ध्यान देखो, यहाँ पास आपका लोगो होगा, एंड लोगों के बाद यहाँ पास देख लेना कि हमारा वही वाला YouTube चैनल है ना, जिससे हम अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करने जा रहे हैं। पता चले आप दूसरा YouTube चैनल को ओपन कर लो, है ना। फिर आपको क्या करना है, सबसे ऊपर 3 डॉट की लाइन मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पास लिखा है डेस्कटॉप साइट का, इसमें क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे, आपके सामने सेम इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ध्यान देखो, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आया होगा। फिर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में एक लोगो होगा, लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देखो मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, यहाँ पास लिखा है योर चैनल, योर चैनल वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, ठीक है। देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया है, आप लोग भी इसमें क्लिक कर देना, ठीक है। बस 2 मिनट बाद बच्चा यार आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो जाएगा और फिर आप अपने वीडियोस पर थंबनेल लगाना सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पास क्या लिखा है, कस्टमाइज चैनल। सब लोग यहाँ पास पहुँच गए ना, पहुँच गए हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बस थोड़ा सा और बच्चा है, यहाँ पास कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान देखो, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, आप लोग इसमें क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, इस प्रकार लोड होगा। जैसे लोड हो जाएगा तो इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। जब तक वेट करते हैं यार, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक भाई आप अपने वीडियोस, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब यार जरूर कर देना, एंड इंस्टाग्राम पर भी अपने भाई को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। भाई जल्दी ओपन हो, ऑडियंस वेट कर रही है। ध्यान देखो भाई, आपके सामने इस प्रकार का सेम इंटरफेस आया होगा। फिर आपको क्या करना है, ध्यान देखो, यहाँ पर सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टे हाथ साइड सेटिंग का ऑप्शन आया होगा। ध्यान देखो, सबसे नीचे सेटिंग होगी, सेटिंग वाले ऑप्शन भी क्लिक करना। देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पास इंटरफेस आएगा इस प्रकार, एंड यहाँ पास लिखा होगा चैनल, चैनल वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देना। जैसे चैनल वाले ऑप्शन भी क्लिक करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको आ जाना है फीचर एलिजिबिलिटी, इसमें आ जाना है। देख सकते हैं, जैसे आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर दूसरे नंबर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरमीडिएट फीचर, आप लोग दूसरे नंबर एलिजिबल जहाँ लिखे हैं ना,
इसमें क्लिक कर देना। देखो मैं टिक लगा दिया हूँ। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो इस थोड़ा सा स्क्रॉल करना ऊपर की ओर, यहाँ पास लिखा होगा वेरीफाई फोन नंबर, वेरीफाई फोन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपके मोबाइल पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक, बस ध्यान दो भाई, आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई होने वाला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आया होगा। एंड यहाँ पास आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। ध्यान देखो, मैं अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया हूँ भाई, देख सकते हैं मैं इंडिया से हूँ, ऑटोमेटिक इंडिया कंट्री सिलेक्ट है। आपको भी क्या करना है, यहाँ पास लिखा है व्हाट इज योर फोन नंबर, आपको अपना यहाँ पास फोन नंबर डालना है। यार देख सकते हैं मैं अपना फोन नंबर डालता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पास ब्लर कर लूँगा, है ना, जिससे मेरा कोई नंबर ना जान पाया है। यहाँ पास देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी अपना नंबर डालता हूँ, जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ भाई लोग। ठीक है, देख सकते हैं भाई मैं यहाँ पास अपने नंबर को डाल चुका हूँ। एंड यहाँ पास गेट कोड लिखा है, गेट कोड वाले ऑप्शन भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हैं भाई अब एक OTP आएगा। ठीक है, आपके मोबाइल पर इसी पे का सेम OTP आएगा। देख सकते हैं भाई आपके मोबाइल पर OTP सेम नहीं आएगा भाई, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 6 अंक का देख सकते हैं भाई मेरा OTP आया है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पास OTP को डाल देता हूँ, है ना। यहाँ पास देख सकते हैं इस प्रकार डाल दीजिएगा। एंड यहाँ पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, जैसे आप लोग सबमिट कर दोगे आपका यूट्यूब चैनल वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, ध्यान देखो यहाँ पास सबमिट मैं कर देता हूँ, ध्यान देखो मैं अपना सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं जैसे मैं सबमिट कर दी, यहाँ पास ध्यान देखो फोन नंबर वेरीफाई आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखना मैं अपने वीडियोज पर कैसे थंब लगाता हूँ, है ना। ध्यान से देखना, मैं अपनी वाटी स्टूडियो ऐप पर जाता हूं एंड थंब लगा के आप लोग सामने दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। यहां पर ध्यान देखो मैं अपने वीडियोस पर जाता हूं एंड पेंसिल वाले आइकन भी क्लिक करता हूं। एंड देख सकते हैं यार, जैसे मैं देख सकते हैं इसमें क्लिक करता हूं, हमारा थंब लगना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए भाई देख सकते हैं मैं ये वाला थंबनेल में क्लिक करता हूं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं डन कर देता हूँ। यार देख सकते हैं जैसे मैं डन कर दिया, मेरा थंबनेल लग के तैयार हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं थंबनेल लगना स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान सुनो भाई लोग, यहाँ पर जैसे मैं सर्च करता हूँ मुकेश MP Tech, ध्यान देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया है। यहाँ पर जैसे मैं सर्च करता हूँ मुकेश MP Tech, तो यहाँ पर ध्यान देखो मेरा एक बैनर बना हुआ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पास मेरा बैनर बना हुआ है। अगर इस तरह आपको बैनर बनाना सीखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, अब भाई मैं इस वीडियो को यहीं पास एंडिंग करता हूँ। थैंक यू सो मच।